सो यस बच्चों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित थापड़िया। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा फेवरेट टॉपिक। और सर, ये टॉपिक आपके लिए फ्यूचर है। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, ट्रांजेक्शन बदल रहे हैं, बिजनेस बदल रहा है। आज आप कोई भी तरीके का व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए फॉरेन ट्रेड चैप्टर पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है रीस्टार्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। इस बार रीस्टार्ट करने के लिए हमने आपका टेक्स्ट बुक ना लेके, हमने हमारे खुद के बनाए हुए नोट से आपको पढ़ाने की इच्छा जाहिर कर रखी है। और इसलिए ये नोट्स आपको यहाँ पे पीछे दिख रहे हैं। आप यूट्यूब के बीच में इसको पॉज करके नोट से पूरे वीडियोज में से आप देख देख के अपने खुद के वर्किंग नोट्स बना सकते हैं आराम से, शांति से। घर की टीवी में क्रोम कास्ट करके, फायर स्टिक यूज करके, मोबाइल के थ्रू टीवी में देख के पढ़िए। घर वालों को लगना चाहिए कि भैया बच्चा मोबाइल पे टाइम पास नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और ये वादा मैं आपके पेरेंट्स को दिलाता हूँ कि अगर आपका बच्चा रोज मेरे चैनल के थ्रू पढ़ता रहेगा, रोज मेरे बताए हुए वीडियोज देखता रहेगा, तो उनके सारे सब्जेक्ट्स को ईजी बनाने का काम मेरा रहेगा। अभी मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए, कुछ ही टाइम में आपको और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, अकाउंट, स्टैट्स। और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स रटवा के छोड़ूंगा। तो बिंदास घर के हॉल के अंदर बैठ के टीवी पे सीधा का सीधा क्रोम कास्ट करके यूट्यूब चैनल को टीवी पे चलाइए। माँ बाप को देखने दीजिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, राइट। चलिए तो आज चालू करेंगे हमारा अपना प्यारा सा टॉपिक। इस टॉपिक का नाम रहने वाला है फॉरेन ट्रेड। हम सबको पता है फॉरेन ट्रेड का बेसिक मीनिंग होता है ट्रेड बिटवीन टू नेशंस। जब दो देशों के बीच में ट्रेड किया जाता है उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से हम काम पे लगाने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड के कुछ बेसिक टॉपिक्स के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब वो ट्रेड होता है जो बेसिकली हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होता है। जो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है उसे कहा जाता है डोमेस्टिक ट्रेड। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है जो दो देशों के बीच में किया जाता है। अगर इंडिया और कनाडा कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, कुछ गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। बट अगर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कुछ लेन देन हो रहा है, दैट इट बिकम्स इंटरनल ट्रेड, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। अगर हम बात करें रीजंस की, भैया क्या जरूरी है, क्यों करते हो तुम, आराम से बैठो ना, इंडिया के अंदर काम करो, तो क्या पॉसिबल है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड ना करें? तो भैया नहीं पॉसिबल है, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। जो इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती है उन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। एंड मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि दुनिया में एक भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करवाती है। ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करने के बहुत सारे अच्छे रीजंस भी है। पहला, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री के पास ऊपर वाले ने नेचुरल रिसोर्सेज बराबर नहीं दिए हैं। किसी के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो आपको उन नेचुरल रिसोर्सेज को अदला बदली करनी पड़ती है, विच गिव्स राइज टू फॉरेन ट्रेड। सेकंड, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी दिन कोशिश करो कि नहीं भैया मेरे को बाहर से कुछ नहीं बनवाना, मैं सब अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करूंगा, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हर कंट्री के पास एक चीज का बहुत बड़ा एक्सपर्टीज होता है, जिसके कारण उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम होता है। तो इसके कारण भी हम कई बार कुछ चीजों को अपने देश में बना सकते हैं, पर हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अपने देश में बनाना हमको बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोग बाहर से उसे इंपोर्ट करवाने में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कुछ कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी प्रोग्रेस कर रखी है। जैसे कि जर्मनी ने कार के अंदर खुद को एकदम किंग बना रखा है, तो इसलिए आज भी जर्मन कार्स पूरे वर्ल्ड ओवर में फेमस है। तो इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी को शेयरिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। हम चाहते हैं कि हम भी इकोनॉमी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा उठाए, कि जो चीज हम अच्छी कर रहे हैं वो हम करेंगे, जो तुम अच्छा करे वो तुम करो, फिर लास्ट में अदला बदली कर लेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा। एंड लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। हर इकोनॉमी अपने आप में स्पेशलाइज्ड होती है। आज की तारीख में स्किल इंडिया प्रोग्राम के बाद में इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड लेबरर्स आ गए हैं। अब इतने सारे स्किल्ड लेबर आने से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर स्किल के मामले में ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारा अवेलेबल है, इसलिए पूरे वर्ल्ड ओवर की कंपनीज अपने सारे
लेबर वाले काम इंडिया में दे देती है कि भैया तुम करो, तुम्हारे पास आबादी भी खूब है, तुम्हारी आबादी पढ़ी लिखी भी अच्छी है, तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। तो कभी कभार स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाने के लिए भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक नेचर क्या होते हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमेशा से एक फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व रहती है, दो देशों के बीच का यह ट्रेड होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि सबसे पहले ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर होता है। ये कभी कभार बहुत चैलेंजिंग नेचर में होता है क्योंकि आपको एक दूसरे देश में जाके माल खरीदना या बेचना है, तो चैलेंजेस खूब आते हैं। साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मतलब आपके देश के प्रधानमंत्री से लेके सारे ऑफिसर्स आपको मदद करने चाहिए, तो ही जाके ये पर्टिकुलर ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। ये ट्रेड के अंदर आपको कई बार डिफरेंट करेंसीज के अंदर डील करना पड़ता है, तो आपको उनका फोरकास्टिंग भी आना चाहिए। ये पर्टिकुलर ट्रेड एक नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच के ज्वाइंट एफर्ट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी भी बहुत लंबा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, जैसे कि आज की तारीख में इंडिया का पाकिस्तान और चाइना से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन कि जो बिजनेस अपने बिजनेस के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए पाकिस्तान या चाइना पर डिपेंडेंट है, वो बिजनेस बहुत डेंजर जोन के अंदर है। कभी भी उन पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बैन लग सकती है। नेक्स्ट इज ये यहाँ पे बहुत लंबा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बिजनेस नॉर्मली बहुत बड़े स्केल पे होते हैं भैया। आपको बाहर से लाना और बाहर के गुड्स को इंडिया में बेचना या यहाँ के गुड्स को बाहर बेचने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे परमिशंस आपको लेने पड़ते हैं और यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत भारी होता है। सर आप वर्ल्ड ओवर में जाके पंगा ले रहे हो, आप दुनिया के बीच मार्केट में जाके, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में जाके आप अपनी कमोडिटी बेच रहे हो, तो आपका कंपटीशन किसी एक या दो कंपनी से नहीं है। आपने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रखा है कि भैया आओ देखो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो इसलिए यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंपटीशन खूब जोरदार होता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, ये आपको मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन स्केल, मैंने जैसे कि कहा था डोमेस्टिक ट्रेड बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है एज कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये बहुत वास्ट स्केल पे होता है। सेकेंड इज करेंसीज एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। डोमेस्टिक ट्रेड में एक सिंगल करेंसी होती है भैया गांधी बापू, पूरे देश में गांधी बापू चलते हैं, बट इंटरनेशनल ट्रेड में हर कंट्री के अंदर आपको अलग करेंसी को यूज करना पड़ता है। पहले डॉलर एक स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट हुआ करता था, पर आजकल नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ने रुपीज को एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज अब की खुद के करेंसी में डील करना चाहती है, सो इसलिए इंटरनेशनल करेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस और उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट। डोमेस्टिक के अंदर भी नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि स्टेट वाइज भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी लैंग्वेज हमारी कल्चर अलग होते हैं, बट तो भी उतना हम मैनेज कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर लैंग्वेजेस और सोशल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उनमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। डोमेस्टिक के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मच 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 लेस एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। डोमेस्टिक लेवल पे कॉम्पिटिशन कम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में कॉम्पिटिशन बहुत सारा होता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इट इज वेरी इजी टू सेटिस्फाई एन इंडियन कस्टमर क्योंकि आप बचपन से इस देश में पैदा हुए हो, आपको पता है यहाँ के कस्टमर्स को क्या चाहिए। बट इंटरनेशनल लेवल पे कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपको उनका माइंडसेट नहीं पता होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कंपनी टू गो इंटरनेशनल एंड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम। इंडिया में रहकर हम इंडिया के लीगल सिस्टम को जानते हैं, वी नो द लॉ ऑफ लैंड, हमें पता है कानून क्या है हमारे देश के, हमें उस सारे लॉ ऑफ लैंड के बारे में अंदाजा है, बट इंटरनेशनल लॉज के बारे में वी हैव नो आइडिया। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, फॉर अ कंपनी टू गो आउटसाइड इंडिया एंड टू डू बिजनेस ओवर देयर बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट द लॉज विच एग्जिस्ट इन दोज पर्टिकुलर इकोनॉमी, एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कभी कभार बहुत पंगे क्रिएट होते हैं। चलिए अब इसके बाद में दो टॉपिक आ रहे हैं, गाइज आई एम सो सॉरी टू से, मेरे दोनों टॉपिक में बहुत सारे डेटाज है तो यहाँ पे मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स। अब इसमें आपको दुनिया भर के डेटा दे रखे हैं कि इंडिया का शेयर पहले कितना था, अब कितना हो गया, पहले कितना एक्सपोर्ट था, अब कितना हो गया, पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था, अब कितना हो गया। सो भैया ये आंसर आपको रटना पड़ेगा, सच्ची बात बताऊं
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम से पहले छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, बट अगर आप रैंकर हो, आप मेहनत कर रहे हो टॉप लाने की, तो तुम्हें छोड़ना कुछ भी अलाउड नहीं है। टेक्स्ट बुक उठाओ, इंपॉर्टेंट डेटा की टेबल बनाओ और आपको उसको याद करना ही पड़ेगा। हमने नीचे क्वेश्चन आंसर सेशन में इसके बहुत सारे छोटे छोटे टेबल्स बना के आपको हेल्प करी है, तो वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। सो ये दो आंसर्स आपको मक करने पड़ेंगे। सेकंड हो गया इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, अगेन ये भी आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ये सब डेटा है कि इंडिया का शेयर पहले कितना था, अब कितना हो गया है। तो इसको एक बार स्किप करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा अगला टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं बिना पीछे देखे कि क्या होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहां पे एक कंट्री और आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड एट लार्ज के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट साइड्स होते हैं, और ये हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करता है। ये हमारे सारे विजिबल आइटम्स एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। विजिबल आइटम्स का मतलब होता है गुड्स, और इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज। तो ये सारे इनविजिबल और विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हाँ, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है, दो तरीके से हो सकते हैं। आइदर योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो बैलेंस्ड हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है मतलब अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सेम होता है, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होती है, उसे कहा जाता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो मोस्टली होता नहीं है। सेकेंड आता है अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें दो आते हैं, एक आता है डेफिसिट, एक आता है सरप्लस। डेफिसिट मतलब जब आपके एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हैं और आपके इंपोर्ट्स बहुत सारे हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, जिसे कहा जाता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। उल्टी कहानी हो गई, आपके एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, तो उसे कहा जाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेवलपिंग नेशंस के अंदर कभी भी सरप्लस जनरेट होता नहीं है, मोस्टली वो हमेशा से डेफिसिट में ही रहते हैं। और मैं आपको फिर से एक बताऊंगा, डेफिसिट में रहना कभी भी गलत होता नहीं है, अगर एक लिमिटेड डेफिसिट मेंटेन की जाए तो, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है, आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी सरप्लस जनरेट करने के लिए। सो ये हो जाता है अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने देखा एक हो गया सरप्लस, एक हो गया डेफिसिट। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब ये अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, पहला होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होते हैं जो सारे के सारे गुड्स, मतलब ट्रेड ऑफ मर्केंडाइजेस दैट इज विजिबल टेंजिबल गुड्स एंड ट्रेड ऑफ इनटेंजिबल गुड्स दैट इज सर्विसेज, इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होते हैं करंट अकाउंट, जो हमारे रेगुलर बेसिस में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट खाली और खाली बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो सालों में कभी कभार किए जाते हैं, जो हमारा रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स या एक्सचेंज रेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए जो सरकार स्टेप्स उठाती है, जैसे कि हमारे होम कंट्री के गुड्स को या हमारी प्राइजेस को हम लोग ट्रेडेबल बनाते हैं, हमारे जो भी इनएविटेबल एक्सपोर्ट्स होते हैं जो हमें एट द एंड करना पड़ता है अपने ट्रेड को बैलेंसेस करने के लिए, हमारे जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट डालते हैं। तो कैपिटल गुड्स के अंदर बेसिकली वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे किए जाते हैं। ये वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो रोज का हमारा काम होता नहीं है, हमने बाहर से कभी कभी गोल्ड खरीद लिया या बंच ऑफ गोल्ड हमने उठा लिया, हमने कभी कभार कोई बड़ा लोन ले लिया, हमने कोई बड़ा बॉन्ड इशू कर दिया फॉरेन मार्केट में, या हमने बॉन्ड को रिडीम कर दिया है, ये ट्रांजेक्शन्स कैपिटल गुड्स ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, जो करंट अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। करंट अकाउंट में चिल्लर ट्रांजेक्शन, रोज के आने वाले ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाता है, और इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किन किन चीजों पर डिपेंडेंट रहेगा। आपको देखना पड़ेगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डिपेंडेंट रहता है आपके एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डिपेंडेंट रहता है आपके होम कंट्री और फॉरेन कंट्री के क्या रिलेशन है उसके ऊपर, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड रहता है आपके गुड्स की कैसी क्वालिटी है वो डिपेंड रहता है, आप कौन से इंपोर्ट्स कर रहे हो वो डिपेंड रहता है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, वो डिपेंड रहता है आपके यहाँ पे कितने सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, आपके यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और क्या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, उस पे भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत सारा डिपेंडेंट रहता है। और एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक का नाम है
व्हाट इज एक्सचेंज रेट, बहुत ही छोटा सा फुद्दू सा टॉपिक है। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच इकोनॉमी ट्रांजैक्ट्स विद अनदर इकोनॉमी। एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के सामने किस रेट पे एक्सचेंज होती है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट। अगर मैं कहूं $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज या 83 रुपीज, तो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट। मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो आपको हमारे 80 से 83 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आपको $1 मिलेगा। सो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट एक इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो या आपका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो, उससे आपके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बहुत सारा फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार का काम होता है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। बेसिकली हमारी सरकार एक्सचेंज रेट को रेगुलर बेसिस पर रेगुलेट करती नहीं है, उन्होंने फ्लेक्सिबल मेथड को फॉलो कर रखा है, जहां पे एक्सचेंज रेट कुछ लेवल तक मार्केट डिटरमाइंड होती है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं है। बट जब एक्सचेंज रेट एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर या नीचे चली जाती है, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनचाहा इन्फ्लेशन या डिप्रेशन ना आ जाए। इसलिए एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का काम भी सरकार का रहता है, बट आफ्टर सर्टेन लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज रेट। हमारी कंट्री की करेंसीज को इंटरनेशनल मार्केट में किस रेट पे ट्रेड किया जाएगा, उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये था आपका आज का चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। इससे पहले हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स चैप्टर्स को पढ़ रखा है इन आवर सीरीज रीस्टार्ट। आपको आगे और कौन सा सपोर्ट मुझसे चाहिए भैया, कमेंट सेक्शन में टिकाते रहो, क्योंकि अब मैं आपके साथ बना रहूंगा। बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे हम। इस बार हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है भैया 11th 12th गुजरात बोर्ड बीकॉम बीबीए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से इसको लोगों के साथ शेयर करिए, आपके दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, हमारी फैमिली को और बड़ा बनाने में हमको मदद कीजिए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको मोटिवेटेड होकर और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए बच्चा लोग, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय, कीप स्टडिंग।